Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. Hello everyone, namaskar dosto, aap sabko swagat karta hu technical youtube channel mein. Dosto yahan par main lekar aa raha hu brother ka printer ka problem dosto, theek hai. To dosto yahan par low quality printing issue ko lekar aa raha hu. Us problem ko hum kis tarah se dur kare dosto, is problem ko hum kis tarah se solve karte hain dosto, yahan par main video mein सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं, ठीक है. तो दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं ब्रदर का DCP L2501 DW मॉडल का प्रिंटर है. और यहां पर इसी तरह का जितने भी प्रिंटर है ब्रदर का DCP 2710 और 2700 मॉडल का प्रिंटर, और ब्रदर का DCP L2540 मॉडल का प्रिंटर, और ब्रदर का DCP L2535 मॉडल का प्रिंटर, और इस तरह से जितने भी प्रिंटर है दोस्तों, जितने भी मल्टीफंक्शन प्रिंटर है, इसमें लो क्वालिटी इश्यू का प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है. तो दोस्तों यहां पर सभी प्रिंटर में इसका जो लॉ है दोस्तों एक ही होगा, इसीलिए मैं यहां पर इसी को इंगित करने के बाद यहां पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है. तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल बने रहना, और यहां पर मैं जितने भी इसका सॉल्यूशन है और कौन सा कंडीशन में यहां पर प्रिंट में जो क्वालिटी है जैसे उसमें दिक्कत आता है और वहां पर अच्छी तरह का क्वालिटी नहीं मिलता है, ठीक है. दोस्तों यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, और यहां पर जितने भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व हो जाएगा, और यहां पर टेक्स्ट प्रिंट करने में अच्छी दिखाई देगा प्रिंट. तो यहां पर जब आपको कोई इमेज प्रिंट होगा तो वहां पर जो वाइट कलर का वाइट वर्टिकल लाइंस यहां पर आएगा, और तो इस कंडीशन का प्रॉब्लम क्या होता है और किसके वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम आता है, मैं आपको यहां पर वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है. तो दोस्तों यहां पर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं वीडियो को. दोस्तों इस तरह से हमारा ब्रदर का प्रिंटर होता है ये, और इस तरह का प्रिंटर में जितने भी प्रिंटर है यहां पर मल्टीफंक्शन प्रिंटर, उसमें कार्डिज में फॉल्ट होने के बाद यहां पर प्रिंट क्वालिटी में दिक्कत आता है और अच्छी तरह से क्वालिटी नहीं देता है प्रिंट, ठीक है. तो दोस्तों यहां पर डिम प्रिंटिंग होता है, और यहां पर क्वालिटी में बहुत इशू आता है, और वहां पर बिल्कुल अच्छी तरह का प्रिंट नहीं करता है, ठीक है. तो दोस्तों सबसे पहले हमको कार्डिज को अच्छी तरह से देखना होगा. तो कार्डिज को सबसे पहले निकालेंगे हम, इस तरह से निकल जाएगा कार्डिज, ठीक है. और इसको इस तरह से दबाने के बाद यहां पर ये टोनर कार्डिज इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है. टोनर कार्टिज निकलने के बाद यहां पर होता है हमारा ब्लेड, ठीक है. यह होता है ब्लेड, और इस ब्लेड में दिक्कत आने के बाद यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर लाइंस दिख रहा है, छोटी-छोटी लाइन दिख रहा है, ठीक है. तो इस तरह से दोस्तों यहां पर जो अच्छी तरह से यहां पर इंक फ्लो नहीं होगा इस रॉड में, जो ये रॉड है हमारा, ये रोलर है, इस रोलर में अच्छी तरह से इंक फ्लो नहीं होगा, तो यहां पर प्रिंट क्वालिटी में बिल्कुल दिक्कत आ जाएगा, ठीक है. तो दोस्तों यहां पर इसको लिए क्या करना होगा, ठीक है. इसको लिए दोस्तों यहां पर अच्छी तरह से जो सभी जगह में एक ही तरह से जब यहां पर इंक फ्लो, यहां पर टोनर फ्लो नहीं होगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना होगा यह वाला दो स्क्रू को खोलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है. ये दो स्क्रू को ओपन करने के बाद दोस्तों ये हमारा ये ब्लेड है, ये ब्लेड बिल्कुल निकल जाएगा. ब्लेड निकलने के बाद दोस्तों यहां पर हम इसको जो पत्तियां होता है दोस्तों, उसको हम अच्छी तरह से क्लीन करना होगा दोस्तों, ठीक है. और उसके बाद भी हमारा प्रिंटर बिल्कुल क्वालिटी में इशू दिखा रहा है और अच्छी तरह का क्वालिटी नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम इसका ड्रम भी हो सकता है कारण, ठीक है. इसका फॉल्टी ड्रम में भी हो सकता है, ड्रम को भी अच्छी तरह से हम देखेंगे और ड्रम को भी रिप्लेस करके देखना होगा दोस्तों, ठीक है. और दूसरा होता है दोस्तों यहां पर क्वालिटी का प्रॉब्लम दोस्तों, जो प्रिंट क्वालिटी में इशू आने के बाद यहां पर होगा दोस्तों, यहां पर इसका लेजर यूनिट का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है. तो लेजर यूनिट में डस्ट अगरा लगने के बाद यहां पर जो इसका जो लेंस होता है दोस्तों, उसमें जो टोनर और डस्ट कोई भी लग जाएगा, वहां पर अच्छी तरह से उसका जो लाइट होता है दोस्तों वो यहां पर नहीं आएगा,
जो ड्रम में इमेज बनता है दोस्तों वो उस ड्रम में नहीं पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लेज़र यूनिट को भी क्लीन करना हो सकता है, लेकिन मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और यहाँ पर ऊपर वाला आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, और उस आई बटन में मैं क्लिक करने के बाद आपको लेज़र यूनिट किस तरह से क्लीन किया जाता है वहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं दे रहा हूँ कि कार्टिज में फॉल्ट होने के बाद यहाँ पर किस तरह का इश्यू आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्टिज में फॉल्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर का क्वालिटी, जो प्रिंट क्वालिटी में इश्यू आता है और अच्छी तरह का प्रिंट नहीं होता है, और ब्लैक स्पॉट, जो ब्लैक स्पॉट होता है दोस्तों उस तरह का भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ड्रम का प्रॉब्लम के वजह से भी यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी में इशू हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने आपको एक बार मैं इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ, इस ब्लेड को सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये वाला स्क्रू इस तरह से ओपन कर देना, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये दो स्क्रू ओपन करने के बाद यहाँ पर ये वाला ब्लेड हमारा बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला स्क्रू निकलने के बाद यहाँ पर हमारा ये वाला ब्लेड होता है, ये ब्लेड बिल्कुल इस तरह से निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ये ब्लेड निकलने के बाद इसका जो यहाँ पर पत्तियाँ होता है दोस्तों, ठीक है, ये वाला पत्तियाँ होता है, यहाँ पर जो टोनर होता है यहाँ पर बिल्कुल जम जाता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर फिर जाता है। इसको इस तरह से हम बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इस तरह से क्लीन करना पड़ेगा, और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन करना होगा। यहाँ पर जितने भी टोनर होता है सभी को यहाँ से हटाना होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टोनर जमने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रीज होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इस ढिक्के में जो टोनर होता है वो अच्छी तरह से फ्लो नहीं होगा, इस रोलर में नहीं आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पहुँचने के बाद, अच्छी तरह से नहीं पहुँचने के बाद यहाँ पर लाइन्स आ जाता है, ठीक है, इस तरह से लाइन्स आता है। जहाँ पर अच्छी तरह से प्रिंट आता है वहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर टोनर आता है, और जहाँ पर अच्छी तरह से टोनर नहीं आता है तो यहाँ पर लाइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम इस ये वाला ब्लेड को अच्छी तरह से क्लीन करना होगा, और क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पर हम अच्छी तरह से फिट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रिंट बिल्कुल अच्छी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही करने के बाद भी यहाँ पर जब प्रिंट नहीं होगा तो वहाँ जो इसका लेज़र यूनिट होता है इस सेक्शन में यहाँ पर होता है, ठीक है, तो उसको निकाल कर क्लीन करना होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और लो प्रिंटिंग का इशू जब आएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों, ठीक है।